Welcome back, dear students. Once again, I will welcome you all in the TCube GATE classes. In this video lecture, I am going to discuss some previous year GATE problems based on compensators and controllers. So let's start with the first problem. So this is your first problem. This question is asked in GATE 2003. And this is 1 marks problem, very simple problem. Okay, see, what is the problem? A lead compensator used for a closed loop controller has the following transfer function. You have given the transfer function, okay, and you have 4 options. So what you have to find, basically आपको ये पता करना है कि ये जो transfer function दिया गया है ये lead compensator को कब satisfy करेगा. मीन्स ये ट्रांसफर फंक्शन क्या कंडीशन हो कि ये जो ट्रांसफर फंक्शन गिवन है इट विल बी द ट्रांसफर फंक्शन ऑफ द लीड कंपनसेटर. सो लेट्स सी हाउ टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम. सो हियर यू सी दिस इज द ट्रांसफर फंक्शन. लेट अस टेक जीएस इज द ट्रांसफर फंक्शन के 1+s/a डिवाइडेड बाई 1+s/b. ओके, नाउ इफ यू मैनिपुलेट इट देन यू कैन राइट इट BKS+A divided by S+B. Okay. Now, if you see, this is a 0 and this will be a 4. So 0 आपका आ रहा है, S is equal to -A पे आपको एक 0 मिल रहा है और S is equal to -B पर आपको एक पोल मिल रहा है. तो अगर आप पोल 0 प्लॉट ड्रॉ करें, सो चूंकि लीड कंपनसेटर है, अगर ये लीड कंपनसेटर है तो लीड कंपनसेटर में जो आपका 0 होता है, 0 का इफेक्ट डोमिनेटिव होता है. सो 0 विल बी क्लोजर टू ओरिजिन. ओके, 0 विल बी क्लोजर टू ओरिजिन. सो अगर आपका 0 क्लोजर है, इसका मतलब ये है कि जो आपका मैग्नीट्यूड है पोल्स का, पोल का मैग्नीट्यूड जो है दैट विल बी ग्रेटर देन द मैग्नीट्यूड ऑफ 0. ओके, सो हियर व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ पोल, दैट इज -b एंड मैग्नीट्यूड ऑफ 0 इज -a. सो व्हाट वी कैन से, बी इज ग्रेटर देन ए. सो द ऑप्शन इज ए. सो ए इज द करेक्ट ऑप्शन. ओके, सो इट इज वेरी सिंपल प्रॉब्लम. ओके, नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट प्रॉब्लम. So again, this is the gate. This is also a gate problem. ठीक है, gate 2008 में आपसे पूछा गया था, and it having 2 marks question. Okay. So the question is the transfer functions of 2 compensators are given below. So आपके पास 2 transfer function हैं, ठीक है ना? एक C1 और एक C2. What you have to find? You have to find C1 is a lead compensator, C2 is a lag compensator. C1 is lag, C2 is lead. Means आपसे पूछा जा रहा है कि इनमें से कौन सा compensator lead compensator है, कौन सा lag compensator है, या दोनों ही lead है या दोनों ही lag है. तो फंडा क्लियर होना चाहिए इसके लिए. सेम चीज कि अगर हमारा lead compensator है तो जो हमारा pole है वो origin से far होगा, या कह सकते हैं आप 0 origin के पास में होगा, और अगर lag compensator है तो pole origin के पास में होगा. तो अगर फर्स्ट ट्रांसफर फंक्शन लेते हैं, C1 इज इक्वल टू 10s+1, इसको चेक कर लेते हैं ये हमारा लीड कंपनसेटर है या लैग कंपनसेटर है. सो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि हमारा जो 0 है ये -1 पे आ रहा है और जो पोल है दैट इज एट -10. ओके, तो 0 हमारा एक पास में है, -1 पे है, और पोल हमारा -10 पे है. तो आप सिंपली इफ यू ड्रॉ द पोल 0 प्लॉट देन यू कैन टेल कि ये लीड कंपनसेटर है या लैग कंपनसेटर है. तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि हमारा 0 ओरिजिन के करीब है, तो ये हमारा एक लीड कंपनसेटर है. आप ऐसे भी कर सकते हैं, लीड कंपनसेटर में पोल का मैग्नीट्यूड 0 के मैग्नीट्यूड से ज्यादा होना चाहिए. तो पोल का मैग्नीट्यूड कितना है, ज्यादा है, दैट इज 10, और 0 का मैग्नीट्यूड क्या है, 1. सो दिस इज अ लीड कंपनसेटर. नाउ व्हाट अबाउट C2? तो C2 एक ट्रांसफर फंक्शन है, दैट इज s+10 डिवाइडेड बाई 10s+1. ओके, ये यहाँ पे 0 पे है, 0 s+10 है, और एक पोल है आपका सिस्टम का, दैट इज s+1.
तो जीरो आपका आ रहा है माइनस टेन पर और पोल आपको मिल रहा है माइनस वन पे। तो अगर आप इसका पोल जीरो प्लॉट ड्रॉ करेंगे तो आपका जीरो है माइनस टेन पे, तो जीरो यहाँ पर है ओके। और पोल की बात करें तो पोल आपका है माइनस वन पर, जीरो है आपका माइनस टेन पर, पोल है आपका माइनस वन पर ओके। सो ये हो गया। तो यहाँ से आप देख रहे हैं कि पोल का जो इफेक्ट है वो डोमिनेटिंग है क्योंकि पोल ओरिजिन के करीब है। जब पोल ओरिजिन के करीब होता है तो हमारा क्या होता है, लैग कॉम्पेंसेटर होता है ठीक है ना, लैग कॉम्पेंसेटर होता है। और आप कह सकते हैं कि लैग कॉम्पेंसेटर के केस में जो हमारा जीरो होता है तो मैग्नीट्यूड ऑफ जीरो इज ग्रेटर देन मैग्नीट्यूड ऑफ पोल ठीक है। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ए बिकॉज सी वन इज अ लीड कॉम्पेंसेटर एंड सी टू इज अ लैग कॉम्पेंसेटर। नाउ मूव टू द थर्ड प्रॉब्लम। ओके, ये क्वेश्चन हमारा गेट 2012 में पूछा गया है, ये एक लिंक्ड क्वेश्चन है ठीक है ना। पहले आपको इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना पड़ेगा ठीक है ना, इसका डेटा आपको इसमें यूज करना होगा। लिंक्ड का मतलब यही होता है कि पहले का जो आंसर आएगा वो दूसरे में हेल्प करेगा सॉल्व करने में ठीक है। सो द ट्रांसफर फंक्शन ऑफ अ कंपनसेटर इज गिवन ठीक है ना, एस प्लस ए डिवाइडेड बाई एस प्लस बी ओके। देन यू हैव टू फाइंड कि जी सी इज अ लीड कंपनसेटर इफ ठीक है ना। सो यू हैव टू फाइंड द कंडीशन कि ये ट्रांसफर फंक्शन लीड कंपनसेटर का होगा जब ए और बी का वैल्यू क्या होगा, ये आपको फाइंड करना है ओके। सो वंस अगेन यू सी जी एस आपका है एस प्लस ए और एस प्लस बी। तो आपका जो जीरो आ रहा है एट एस इज इक्वल टू माइनस ए पर आपको जीरो मिल रहा है और पोल आपको मिल रहा है एस एट एस इज इक्वल टू माइनस बी पर आपको पोल मिल रहा है। सो अगर आप देखें कि लीड कंपनसेटर के लिए आपका जो पोल का मैग्नीट्यूड होता है दैट विल बी ग्रेटर देन द मैग्नीट्यूड ऑफ योर जीरो। सो पोल आपका किस पे पड़ रहा है, माइनस बी पे पड़ रहा है, तो माइनस बी इज ग्रेटर देन मैग्नीट्यूड ऑफ माइनस ए। सो अब यहाँ से हम लोग कंडीशन क्या आएगा, बी इज ग्रेटर देन ए ठीक है ना, बी इज ग्रेटर देन ए। तो ऑप्शन अगर मैं मैच कराता हूँ तो यहाँ पे ए बी से ज्यादा है तो ये वाला ऑप्शन नहीं होगा, ए यहाँ पे बी से ज्यादा है ये भी नहीं होगा। हमें मैग्नीट्यूड की बात करनी है तो यहाँ पे भी नहीं होगा ठीक है ना, ऑप्शन इज ए क्योंकि ए हमारा वन से कम है ठीक है ना, ए हमारा जो है बी से कम है तो ऑप्शन ए करेक्ट है। ऑप्शन से ही हम पता कर सकते हैं कि अगर ए का वैल्यू वन हो और बी का वैल्यू टू हो तो इट विल बी अ लीड कंपनसेटर। नाउ यू हैव टू फाइंड द फेज ऑफ द अबव लीड कंपनसेटर इज मैक्सिमम एट ठीक है ना, किस फ्रिक्वेंसी पे आपका मैक्सिमम फेज मिलेगा। इट मीन्स यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ ओमेगा एम, ओमेगा एम इज द फ्रिक्वेंसी एट विच द मैक्सिमम फेज लीड और लैग विल आकर। सो फॉर दिस व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू फाइंड द कॉर्नर फ्रिक्वेंसीज। तो आपका जो जीरो था एस इज इक्वल टू माइनस ए पर था, माइनस ए पे आपका एक जीरो था एट एस इज इक्वल टू माइनस ए पे आपका जीरो हो गया। पोल आपका कितने पे हो गया, आपका पोल है माइनस बी पे ठीक है ना, और ए का वैल्यू हम लोग निकाल चुके हैं, ए क्या है वन, तो माइनस वन पे आपका पोल है और माइनस टू पे आपका जीरो है। तो फर्स्ट कॉर्नर फ्रिक्वेंसी इज वन ओमेगा वन इज इक्वल टू वन और सेकेंड कॉर्नर फ्रिक्वेंसी है आपकी ओमेगा टू इज इक्वल टू टू। तो जो फ्रिक्वेंसी जिस पर मैक्सिमम फेज लीड अकर करता है दैट विल बी द ज्योमेट्रिक मीन ऑफ टू कॉर्नर फ्रिक्वेंसीज, ये मैंने बताया था आपको। तो द फ्रिक्वेंसी एट विच द मैक्सिमम फेज लीड और लैग विल अकर इज द ज्योमेट्रिक मीन ऑफ टू कॉर्नर फ्रिक्वेंसीज। सो वी हैव टू कॉर्नर फ्रिक्वेंसीज ओमेगा वन इज इक्वल टू वन एंड ओमेगा टू इज इक्वल टू टू, सो द ओमेगा एम बिकम अंडर रूट टू ओके। बहुत ही सिंपल प्रॉब्लम था 4 मार्क्स का। तो करेक्ट ऑप्शन इज ए ओके। नाउ मूव टू द नेक्स्ट प्रॉब्लम। सो नेक्स्ट प्रॉब्लम एक गेट 2016 में पूछा गया था, 1 मार्क्स का प्रॉब्लम है। द प्रॉब्लम इज फॉर द नेटवर्क शोन बिलो द फ्रिक्वेंसी इन रेडियन पर सेकेंड ओके, रेडियन पर सेकेंड में आपको फ्रिक्वेंसी फाइंड करनी है एट विच द मैक्सिमम फेज लैग अकर ओके। सो फेज लैग का अगर आपको सर्किट याद हो तो मैंने बनवाया था ठीक है ना, आरसी सीरीज में होते हैं
दिस इज आर टू, ठीक है, दिस इज सी एंड दिस इज वॉट आर वन, ओके, दिस इज वी नॉट, दिस इज वी एच, सर्किट आपको दिया गया है. नाउ व्हाट यू हैव टू फाइंड, यू हैव टू फाइंड द फ्रीक्वेंसी एट विच मैक्सिमम फेज लैग अकर्स. फिर से आपको ओमेगा एम फाइंड करना है. ओके, सो अगर आपको याद होगा कि व्हाट विल बी द ट्रांसफर फंक्शन ऑफ फेज लैग कंपनसेटर, ओके, व्हाट इज द ट्रांसफर फंक्शन, 1 प्लस एस टाउ डिवाइडेड बाई 1 प्लस बीटा एस टाउ. ओके, सो अगर आप टाउ का वैल्यू फाइंड करना होगा तो टाउ इज बेसिकली व्हाट, टाइम कांस्टेंट, ठीक है ना, तो टाउ आपका क्या हो जाएगा, आर सी, ओके, सो आर टू सी, दिस इज आर टू, ओके, सो आर टू इज 1 एंड सी का वैल्यू आपका क्या, 1 फैरड, सो टाइम कांस्टेंट आपका आ गया 1. Now what about the beta? Okay, so beta is greater than 1. That is what, R1 plus R2 divided by R2. Okay, we have already आपको बताया था beta का value क्या होता है, R1 plus R2 divided by R2. और R1 आपका है 9, R2 है आपका 1 divided by 1. So beta आपको आ गया 10. Okay, तो lag compensator जो होता है, इसका अगर मैं pole zero plot draw करूँ, तो pole origin के करीब होता है, फिर जीरो होता है, तो पोल आपका किस पे आता है, 1 बाई बीटा टाउ, ठीक है ना, और जीरो आपका आता है 1 बाई टाउ पर, ठीक. सो इफ यू सी, बिकॉज बीटा इज ग्रेटर देन 1, सो मैग्नीट्यूड ऑफ पोल इज लेस देन द मैग्नीट्यूड ऑफ जीरो, सो द इफेक्ट ऑफ पोल इज डोमिनेटिंग इन केस ऑफ लैग कंपनसेटर. सो व्हाट अबाउट द कॉर्नर फ्रीक्वेंसी, फर्स्ट कॉर्नर फ्रीक्वेंसी विल अकर एट बीटा टाउ, सेकेंड कॉर्नर फ्रीक्वेंसी विल अकर एट 1 बाई टाउ. सो यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ ओमेगा एम, ओमेगा एम मीन्स द फ्रीक्वेंसी एट विच मैक्सिमम फेज लैग विल अकर. सो मैंने बताया था जो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी होती है जिस पर मैक्सिमम फेज लैग अकर करता है वो होता है कॉर्नर फ्रीक्वेंसी, ज्योमेट्रिक मीन ऑफ टू कॉर्नर फ्रीक्वेंसीज. तो यहाँ पे हम ज्योमेट्रिक मीन ले लेंगे ओमेगा वन एंड ओमेगा टू का, तो इट विल बी बीटा टाउ इंटू 1 बाई टाउ. If you solve this, you will get the under root beta tau. Okay, so if you put the value of, you have value of beta, value of tau, so it will be under root 10 into 1. So 1 by under root 10. Okay, so this is your frequency at which the maximum phase lag will occur. So this is very simple problem. Okay, now see the next problem. Here you see. This is the problem from the controller. Okay, so this is basically a derivative feedback controller, because a derivative action is in feedback of the plant or system. Okay, so derivative feedback controller है. So अगर आपको याद हो derivative feedback controller का मैंने derivation करवाया था वहाँ पे, अगर आपको नहीं पता है तो आप मेरा पिछला वीडियो लेक्चर देख सकते हैं डेरिवेटिव फीडबैक कंट्रोलर का. वहाँ पे मैंने डेरिवेटिव फीडबैक कंट्रोलर के लिए ओवरऑल ट्रांसफर फंक्शन ड्रॉ किया था. वहाँ से हम लोगों ने निकाला था जीटा इज इक्वल टू जीटा डैश इज इक्वल टू जीटा प्लस के ओमेगा बाई ओमेगा एन बाई टू, इस तरीके का कुछ प्रॉब्लम आता है. सो क्वेश्चन क्या है, द गेन के of the TECO generator influences mainly the overshoot, natural frequency of oscillation, phase shift at very low frequency or phase shift at very high frequency. So that you have to find. Okay, so from the this expression आप directly बता सकते हैं क्योंकि जीटा का value हमारा जो है वो k पर depend करता है, ठीक है ना, जीटा का value अगर k पर depend करता है तो मैक्सिमम ओवरशूट जो होता है दैट विल अफेक्ट डेफिनेटली, ठीक है ना. बट अगर आपको सॉल्व करना है सो सी, अगर हम इस पूरे सिस्टम का ट्रांसफर फंक्शन फाइंड करें, ठीक है ना, सो व्हाट विल बी द ट्रांसफर फंक्शन, जीटीएस क्या होगा आपका, ये इसके फीडबैक में है, सो इट विल बी व्हाट, जीएस अपॉन 1 प्लस जीएस, एचएस, एचएस इज व्हाट, केएस. ओके, सो इफ यू पुट द वैल्यू ऑफ जीएस, s s plus 1 divided by 1 plus 1 by s s plus 1 into hs is what, k into s. So if you solve this you will get
वन अपॉन एस एस प्लस वन प्लस के एस, ठीक है ना। और फाइनली अगर आप इसको सॉल्व करेंगे देन यू विल गेट वन अपॉन एस एस प्लस वन प्लस के। ओके, सो अगर आप ओवरऑल ट्रांसफर फंक्शन निकालेंगे, ओवरऑल ट्रांसफर फंक्शन निकालेंगे, ओवरऑल ट्रांसफर फंक्शन क्या हो जाएगा, जीएस सॉरी जीटीएस, क्योंकि यूनिटी फीडबैक कंट्रोल सिस्टम यूज कर रहे हैं, जीटीएस अपॉन वन प्लस जीटीएस। ओके, सो जीटीएस इज व्हाट, दिस वन, वन डिवाइडेड बाई एस एस प्लस वन प्लस के डिवाइडेड बाई व्हाट, वन प्लस वन बाई एस एस प्लस वन प्लस के, ठीक है ना। और अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, ट्रांसफर फंक्शन विल बी व्हाट, इफ यू सॉल्व दिस इट विल बी एस स्क्वायर प्लस एस वन प्लस के, ठीक है ना, प्लस वन। तो अगर आप इसको स्टैंडर्ड सेकेंड ऑर्डर इक्वेशन से कंपेयर करेंगे देन यू विल गेट एस स्क्वायर प्लस टू जीटा ओमेगा एन एस प्लस ओमेगा एन स्क्वायर। सो अगर आप कंपेयर करेंगे देन ओमेगा एन स्क्वायर इज वन, सो ओमेगा एन स्क्वायर इज इक्वल टू वन, सो ओमेगा एन इज इक्वल टू वन। सो नेचुरल फ्रिक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन तो आपका के पर डिपेंड नहीं कर रहा है। नाउ इफ यू कंपेयर दिस टर्म, ओके, टू जीटा ओमेगा एन, सो टू जीटा ओमेगा एन इज वॉट, इट विल बी वॉट के प्लस वन, के प्लस वन, एंड ओमेगा एन इज वन, सो जीटा इज वॉट के प्लस वन बाई टू। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो आपका डैम्पिंग है दैट इज डिपेंडिंग अपॉन द वैल्यू ऑफ के। ओके, सो डैम्पिंग आपका जो है वो के पर डिपेंड कर रहा है। सो व्हाट अबाउट द मैक्सिमम ओवरशूट, मैक्सिमम ओवरशूट इज व्हाट, इट इज ई टू द पावर माइनस पाई जीटा अपॉन अंडर रूट वन माइनस जीटा स्क्वायर। सो अगर आपका जीटा के पर डिपेंड कर रहा है तो मैक्सिमम ओवरशूट भी आपका के पर डिपेंड करेगा, इसका मतलब मैक्सिमम ओवरशूट आपका अफेक्ट करेगा। सो व्हाट विल बी द करेक्ट आंसर, करेक्ट आंसर इज पीक ओवरशूट। ओके, नाउ सी द नेक्स्ट प्रॉब्लम, दिस इज द प्रॉब्लम ऑफ अ पीआई कंट्रोलर। ओके, सो अ पीआई कंट्रोलर यू हैव गिवन फोर ऑप्शंस, सो यू हैव टू टेल व्हिच वन इज करेक्ट। सो पीआई कंट्रोलर इंक्रीजेस द टाइप ऑफ द सिस्टम, रिड्यूसेस द बैंडविड्थ, इंक्रीजेस द स्पीड ऑफ द सिस्टम, या ए एंड बी। सो सी, फॉर पीआई कंट्रोलर, ओके, फॉर पीआई कंट्रोलर व्हाट इज द गेन, so gain of PI controller is what, this is KP plus KI divided by S. okay, if you solve this then you will get S KP plus KI divided by S. okay, so if you add a PI controller, so what it will introduce, a pole at origin, agar origin par aapka pole add kar raha hai, ye agar ye kya kar raha hai, add pole एट ओरिजिन। ओके, सो अगर ओरिजिन पे पोल ऐड कर रहा है, इसका मतलब इट इंक्रीजेस द टाइप ऑफ द सिस्टम बाई वन, टाइप इंक्रीजेस, ओके, टाइप ऑफ द सिस्टम इंक्रीजेस बाई वन, ठीक है ना। नाउ सी द, इसमें पी आई कंट्रोलर का जो जीरो है वो किस पे अकर कर रहा है, जीरो इज अकर एट के आई बाई के पी, ठीक है ना। और अगर आप इसका बॉडी प्लॉट ड्रॉ करें, ठीक है ना, अगर आप पीआई कंट्रोलर का बॉडी प्लॉट ड्रॉ करें, बॉडी प्लॉट क्या होता है, मैग्नीट्यूड इन डीबी वर्सेस लॉग ओमेगा। ओके, सो सी, ये जो आपका गेन है पीआई कंट्रोलर का, इनिशियल स्लोप इसका कितना होगा, क्योंकि आपका एक पोल ओरिजिन पर लाई कर रहा है, इसलिए इसका इनिशियल स्लोप हो गया आपका माइनस 20 डीबी पर डेकेड, ठीक है ना। सो इनिशियल स्लोप माइनस 20 डीबी पर डिकेड, और आपका वन कॉर्नर फ्रिक्वेंसी आपकी जीरो पे पड़ रही है, दैट इज एस इज इक्वल टू माइनस के आई बाई के पी। ओके, सो अगर आप बॉडी प्लॉट ड्रॉ करेंगे तो क्या होगा, इनिशियल स्लोप आपका माइनस 20 है, माइनस 20, ठीक है ना, और फर्स्ट कॉर्नर फ्रिक्वेंसी पे क्या होगा, आपका ग्राफ का स्लोप चेंज होगा, क्योंकि फर्स्ट कॉर्नर फ्रिक्वेंसी आपकी जो है जीरो पर पड़ रही है, ठीक है ना, और जब जीरो पर कॉर्नर फ्रिक्वेंसी आती है तो आपका प्लस 20 डीबी से जो है स्लोप चेंज होता है। सो इनिशियल स्लोप था माइनस 20 डीबी पर डिकेड, और कॉर्नर फ्रिक्वेंसी पर क्या होगा, ग्राफ का स्लोप प्लस 20 डीबी से चेंज होगा, तो माइनस 20 प्लस 20 इट विल बी 0 डीबी, तो ये आपका हो जाएगा 0 डीबी पर डिकेड। तो
इट इज बेसिकली अ लो पास फिल्टर, ठीक है ना, लो पास फिल्टर, क्योंकि लो फ्रिक्वेंसी पे गेन आपका ज्यादा है और हाई फ्रिक्वेंसी पे गेन आपका कम है, सो इट इज अ लो पास फिल्टर. और लो पास फिल्टर क्या करता है, बैंडविड्थ को कम कर देता है. सो करेक्ट ऑप्शन इज टाइप ऑफ द सिस्टम इज इंक्रीज बाय 1 एंड इट ऑल्सो रिड्यूस द बैंडविड्थ. सो वट इज द करेक्ट ऑप्शन, करेक्ट ऑप्शन इज डी. ओके, सो इस तरीके के कोई भी प्रॉब्लम्स आए तो यू फर्स्ट राइट द कंट्रोलर ट्रांसफर फंक्शन एंड देन ड्रॉ द बॉर्डर प्लॉट. नाउ सी द नेक्स्ट प्रॉब्लम. दिस क्वेश्चन इज आस्क्ड इन गेट 2017. ओके, सो व्हाट इज द प्रॉब्लम. अ लीड कंपनसेटिंग नेटवर्क इंक्लूडिंग अ पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ आरसी इन फीड फॉरवर्ड पाथ. If the transfer function of compensator is this, the value of RC. Okay, so this is also very simple problem. अगर आपके concept clear है तो बहुत ही आसानी से आप इस problem को solve कर सकते हैं. So आपको RC का value पूछा गया है. Let's draw the circuit of lead compensator. So this is basically RC combination parallel में होता है, ठीक है, और यहाँ पे आपका जो है यहाँ पे आउटपुट लेते हैं, ठीक है, वी नॉट एस, दिस इज वी आई एस, ओके, प्लस माइनस, दिस इज योर आर वन, दिस इज आर टू, इसको हम आर वन लेते हैं, आर और सी, ठीक है ना. तो टाइम कांस्टेंट क्या होता है सर्किट का, टाइम कांस्टेंट टाउ इज इक्वल टू आर सी, यही आपसे पूछा गया है. यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ आर इंटू सी. सो वट बेसिकली वट यू हैव टू फाइंड, यू हैव टू फाइंड द टाइम कांस्टेंट ऑफ लीड कंपनसेटर हुज ट्रांसफर फंक्शन इज गिवेन जी सी एस इज इक्वल टू एस प्लस टू डिवाइड बाई एस प्लस फोर. ओके, नाउ इफ यू रिमेम्बर मैंने इसका जो है आपको ट्रांसफर फंक्शन ड्राइव करवाया था. सो ट्रांसफर फंक्शन ऑफ लीड कंपनसेटर इज वी नॉट एस डिवाइड बाई वी आई एस इज इक्वल टू एल्फा वन प्लस एस टाउ डिवाइड बाई वन प्लस एस एल्फा टाउ. ओके, सो इफ यू कंपेयर दिस ट्रांसफर फंक्शन टू दिस, सो जी सी एस इज बेसिकली वॉट एस प्लस टू डिवाइड बाई एस प्लस फोर. हम इसको थोड़ा सा मैनिपुलेट कर लेते हैं, यहाँ से न्यूमरेटर से टू कॉमन ले लेते हैं, सो इट विल बी एस बाई टू, एंड डिनोमिनेटर से हम फोर कॉमन ले लेते हैं, देन इट विल बी वन प्लस एस बाई फोर. सो इट विल बी वॉट वन बाई टू, वन प्लस एस बाई टू डिवाइड बाई वन प्लस एस बाई फोर. ओके, सो अगर आप इसका बॉर्डर प्लॉट ड्रॉ करें, ठीक है ना, क्योंकि लीड कंपनसेटर है तो लीड कंपनसेटर में फर्स्ट कॉर्नर फ्रिक्वेंसी आपकी जीरो पे पड़ रही थी, दैट इज टू, ठीक है, और नेक्स्ट कॉर्नर फ्रिक्वेंसी आपकी पड़ रही थी कोल पर, दैट इज फोर, तो माइनस टू माइनस फोर, ठीक है ना. सो अगर आपको याद हो लीड कंपनसेटर के केस में, इट विल बी वन बाई टाउ और हेयर वन बाई अल्फा टाउ, ठीक है ना. सो इफ यू कंपेयर वन बाई माइनस वन बाई टाउ माइनस, सो वन बाई टाउ इज इक्वल टू बेसिकली वाट टू, सो टाउ इज बेसिकली वाट वन बाई टू, इट इज पॉइंट फाइव. ओके, सो टाउ का वैल्यू आपने निकाल लिया है और टाउ ही आपसे पूछा गया था, सो टाउ इज बेसिकली पॉइंट फाइव. अगर आपसे और भी कुछ पूछा जाता है तो यू कैन कंपेयर वन बाई अल्फा टाउ इज इक्वल टू वॉट, वन बाई अल्फा टाउ इज फोर, सो वन बाई अल्फा इज वॉट 4 इंटू टाउ, तो 5 दुनी 10 2, एंड अल्फा इज वॉट 1 बाई 2. ओके, बट वॉट यू हैव टू फाइंड, यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ आर इंटू सी, एंड आर इंटू सी इज बेसिकली वॉट, इट इज द टाइम कॉन्स्टेंट ऑफ द सर्किट, सो टाइम कॉन्स्टेंट इज 0.5, ठीक है ना. सिंपली वॉट यू हैव टू डू, यू हैव टू कंपेयर द ट्रांसफर फंक्शन विद द ओरिजिनल ट्रांसफर फंक्शन एंड यू विल गेट द वैल्यू ऑफ tau. Okay, now see the next problem. The transfer function of the compensator is given. Okay, the maximum phase lead frequency and corresponding phase lead. Okay, so once again you have given a transfer function of a lead compensator and you have to find the frequency at which the maximum phase lead occur, and you also have to find the maximum phase lead. So see the transfer function,
it is s plus 4 divided by s plus 6, okay, x plus 16, sorry. So if you see the 0, so what is your 0? S is equal to minus 4 पे आपको 0 मिलेगा, 4 आपको s is equal to minus 16 पे मिलेगा. पोल 0 प्लॉट ड्रॉ करेंगे तो 0 आपका यहाँ पे आएगा, पोल आपका यहाँ पे आएगा. तो 0 आपका आ रहा है माइनस 4 पर, पोल आ रहा है आपका माइनस 16. सो व्हाट इज योर कॉर्नर फ्रिक्वेंसी? फर्स्ट कॉर्नर फ्रिक्वेंसी आपकी होगी 4, सेकेंड कॉर्नर फ्रिक्वेंसी आपकी होगी 16. नाउ यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ ओमेगा एम एंड फाई एम. सो मैंने बताया था ओमेगा एम द फ्रिक्वेंसी एट विच द मैक्सिमम फेज लीड अकर्स will be the geometric mean of two corner frequencies. So what you have to do, you have to take the geometric means of these two corner frequencies. So this will be omega 1 into omega 2, so it will be what, 64. So omega m is basically what, 8 radian per second, okay. So you have to find omega m. Now what about the phase lead? Okay, so for phase lead, what you have to do, you have to just calculate the phase from this, okay. So for this put the value of s is j omega, so we can write it 4 plus j omega divided by 16 plus j omega. Now the phase of the transfer function is phase of the compensator is gcs. So phase due to the 0 and phase due to the 0 is tan inverse omega by 4 minus phase due to this pole, this is tan inverse omega by 16, okay. Now for maximum phase, what you have to do, maximum phase will occur at the frequency omega m. So we put the value of omega is omega m by 4 minus tan inverse omega m by 16. So put the value of omega m. So omega m is 8 by 4 2 minus tan inverse omega m is 8 by 16, that is 1 by 2. And if you solve this in the calculator, then you will get the 36.86 degree. So this is the maximum phase, okay, and this is the frequency at which you will get the maximum phase. So the correct option is B. Okay, now move on the next and last problem. See, the transfer function of a phase lead network is given below. Okay, transfer function आपको given है. Transfer function के साथ साथ आपको circuit भी दिया गया है इसका. Okay, so अगर आप गौर से देखें, it's a lag compensator. Okay, and what you have to find, you have to find the value of R1 and R2. Okay. Now for the lag compensator, you know what is the transfer function, that is V naught S divided by VI S. What is the transfer function? 1 plus S tau divided by 1 plus S beta tau. This will be the transfer function for lag compensator that I have derived in my previous lecture. Okay. So if I compare this transfer function with the given transfer function, so what we can find? We can find 1 plus s tau. So 1 plus s tau, meaning tau is what? Tau is 0.3 and beta tau is what? 0.17. Beta tau is 0.17. Okay. Now time constant of this circuit is what? Time constant is RC. Okay, R1C. So time constant is R1C. You have given the value of C, capacitance ke value aapko given hai. R1 into C is what? 1 microfarad, 10 to the minus 6. And tau we have find, tau is 0.3. So we can find the value of R1, that is 0.3 divided by 10 to the power minus 6. Or you can write it 3 into 10 to the power 6 or 3000 kilo ohm. So this is the R1. Okay, now you know the value of beta. Okay, beta is what? Beta is greater than 1, so beta is R1 plus R2 by 2. Okay, so R1 plus R2 by 2.
Now you have a value of beta. Beta is what? 0.17. Okay. Now you have the value of beta ki value 1 se zyada hoti hai, R1 plus R2 divided by R2. Okay. Now you have the value beta ka value nahi nikala abhi maine. Okay, sorry. So we can find the value of beta. Okay. So from here you see tau is what? Basically 0.3. So if you put the value of tau here, 0.3, that is equal to 0.17, then you will get the value of beta as 0.17 divided by 0.3. okay, now you put the value of beta is 0.17 divided by 0.3. now you have value of R1, so put the value of R1 and you will get the value of R2 also. Okay, so this was also a very simple problem. Okay, अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हैं तो आप बहुत आसानी से किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं. ओके, दिस इज ऑल फॉर दिस लेक्चर. थैंक यू.